हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिश्र उपाध्याय ब्लॉग्स पर। तो जो है आज तारीख है वो है 22 और जो दिन है वो है मंडे। और भैया जो है जॉब पर जा चुका है और हमने जो है सारा काम खत्म कर लिया है। और देखिए मम्मी को, मम्मी आ रही है ऊपर से नीचे पूजा करने के बाद। और देखिए अब मैंने जो है नाश्ता भी रेडी कर लिया है। हमारे जो है रात ना चावल बनाए थे, चावल जो है बच चुके थे और मैंने जो है चावल है जो फ्राई किए है। देखिए वर्षा को चावल है जो फ्राई किए लिए हमने कर लिया। हमने आइए आप भी और जो है नाश्ता कर लीजिए। देखिए सामने जो है हमारा सीरियल चल रहा है, हम जो है सीरियल देख रहे हैं। तो बस आज का जो है दिन, आज हम करेंगे चिप्स तोड़ेंगे। आज हम, मम्मी बोल रही थी आपने कल की वीडियो में भी सुना होगा कि हम चिप्स तोड़ेंगे। और जो ये मौसम है, इस मौसम में जो है चिप्स और जैसे कि चिप्स और पापड़ जो है बनाए जाते हैं। अगर आपको रेसिपी जाननी हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे तो आज मैं चिप्स की जो है रेसिपी आपको डाल दूंगी, कैसे चिप्स बनते हैं, बहुत ही ईजी है। तो आपसे सबसे पहले कर लेती हूँ मैं नाश्ता, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। देखिए सुबह सुबह हमारे यहाँ पर जो है बारिश आनी जो है स्टार्ट हो चुकी है। देखिए बूंद पड़ने लग रही है, देख सकते हैं बूंद। अब फिलहाल अभी हल्की हो रही है बूंद। और मौसम देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम। होली से पहले जो है भगवान जी ने फिर से जो है ठंड कर दी, सारी जगह गिल्ला हो चुका है। देखिए नीचे जो हमने साफ सफाई बिल्कुल कर दी है। और आज देखिए आज हम क्या बना रहे हैं, देखिए चिप्स। ये हमने जो है चिप्स के जो है आलू काट के रख रखे हैं। और जब बारिश बंद हो जाएगी, अच्छी धूप निकल जाएगी, तभी नहीं थोड़ा सा उबाल के और इन्हें धूप में सुखा देंगे। देखिए कितने बारीक बारीक जो है हमने काट लिए हैं, बहुत सारे जो हमने कर लिए हैं। और धूप निकलते ही हम इन्हें सुखा देंगे। ये कद्दूकस है, कद्दूकस से जो हमने इन्हें काट लिए थे करके कर करके, और धूप निकलेगी उसके बाद हम इसे सुखा देंगे। और जो साफ सफाई जो है सारी जगह कर दी है हमने। भैया जो है चला गया है जॉब पर। देखिए जो है हमारा नाश्ता पानी जो है हो चुका है और हम तीनों बैठकर देख रहे हैं सीरियल। तो वर्षा जो है तेरा फेवरेट सीरियल कौन सा है? मेरा फेवरेट सीरियल 3-4 है, और कौन सा बताओ? एक बता दे। मेरे तो 12 बजे तक सीरियल चले है। सही है ना मम्मी जी आपका? ये कुंडली भाग्य। मम्मी का तो पसंद वही है जो हमारी पसंद है, बस मम्मी को बैठ कर देखना है। वो अभी जो आना अभी शुरू हुआ वो जोगी वाला। अच्छा जोगी वाला नाटक है, तेरी मेरी घिंडी। सही है ना? हाँ, और पारिवारिक नाटक है ना, इस वजह से अच्छा लगता है हम लोग। सही है, मम्मी को पारिवारिक जो नाटक होते हैं। और मेरा क्या, जो मैं आपको अपनी पसंद बताती हूँ, अगर मेरे सीरियल चल रहे हैं तो मैं सीरियल देख लेती हूँ, अगर सीरियल खत्म हुए तो कार्टून, अगर कार्टून खत्म है तो भजन कीर्तन, मेरे ये चलते हैं। अब मम्मी हमें तो काम भी करना पड़ा, इसलिए सीरियल देखने पड़ेंगे, कार्टूनों का टाइम तो काम तो मैं भी करूँ, काम मम्मी मैं नहीं करती। काम 10 बजे से 12 बजे लगे, टाइम गलत है ना, दोपहर बाद आवे ना तो काम। मैं दोपहर बाद में 3 बजे के बाद जो कथा शुरू होती है ना, भागवत कथा दिव्या चैनल पे, आस्था चैनल पे। तो ये है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि जो सीरियल है वो दोपहर में आने चाहिए और सुबह के टाइम नहीं आने चाहिए, क्योंकि देखिए अब जो टाइम है 9:30 बज रहे हैं, हमारा सीरियल आ रहा है। हम काम तो वैसे हमारा सारा खत्म हो चुका है, बस कपड़े धोने हैं। मेरा रह रहा है काम, मम्मी खत्म हो गया मेरा काम। मम्मी जो हमसे कभी कपड़े नहीं धुलाती, कभी आज तक मम्मी ने हमसे कपड़े नहीं, मजबूरी होगी तो हम धो लेते हैं कपड़े, वैसे मम्मी हमसे कभी कपड़े नहीं धुलाती, इसलिए जो काम है मम्मी का वो कपड़े धोने का है। और मेरे जो बर्तन है बर्तन साफ करूंगी मैं, और चिप्स तोड़ने हैं बस आज हमें। मैंने अपना सारा काम निपटा लिया, चिप्स जो हमने घिसके तो रख दिए हैं, धूप निकलने वाली है चिप्स जब, पर धूप का वेट कर रहे हैं हम। चिप्स जो हमने घिसके तो रख दे, बस उन्हें उबाल के है ना मम्मी जी।
उबाल के चूल्हे पे और ऊपर जो है फैला देंगे धूप में, फिर थोड़ा हल्की आंच लगाई जाती है, पानी गर्म खदका लगाते हैं। अध कचरे बोलते हैं जिसे, अध कचरे होते हैं जैसे आधे तो भुन गए और आधे रह गए, ऐसे बनाने पड़ते हैं। फिर उसके बाद हम उसे धूप में डाल देंगे, बस इतने होते हैं चिप्स में, ज्यादा वो कुछ कर नहीं। कपड़े धुलूंगी अब तो, मौसम के इंतजार है कब धूप निकलेगी कब चिप्स की तैयारी। देखिए मैडम जी को, मैडम जी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, पढ़ाई स्टार्ट होगी अब। हाँ इसमें ना ये कौन है शक्ति, पृथ्वी। मम्मी को जो कुंडली भाग में पृथ्वी का जो रोल है सबसे अच्छा लगता है, और वो है इतना फनी देगी सामने चल रहा है, बहुत फनी है ये, और इसी की वजह से ना हम ये सीरियल देखते हैं। ये चीटिंग करता रहता है और किसी को मतलब सबको फिर भी विश्वास दिलाता है कि मैं सही हूँ। यही तो आजकल का जमाना भी यही है, जो झूठे इंसान होते हैं, बुरे इंसान होते हैं उन पर जल्दी विश्वास करते हैं, सच्चे होते हैं उन पर लेट विश्वास करते हैं। क्या जमाना, जीत हमेशा सच्चाई की होती है। सच्चाई की राह पे चलते जाओ और सब ठीक होता जाएगा। मम्मी ने आज तक हमें ये बात सिखाई, आप सब बोलते मम्मी आपकी बहुत अच्छी अच्छी बात सिखाई, सच ये सच है, मम्मी हमें बहुत ही अच्छी अच्छी बात सिखाती है। हमेशा भगवान पर विश्वास रखो। और मम्मी को जो है मम्मी के पापा ने सिखाई है सारी बातें। मम्मी के जो पापा ही थे वे टीचर थे, गवर्नमेंट टीचर थे, तो मम्मी की बातें वो हमें यहाँ पर पिताजी भी बहुत अच्छे मिले, घर में पापा तो थे, यहाँ पर ससुर भी बहुत अच्छे थे, पूरा परिवार बहुत अच्छा है, उनके भी संस्कार ऐसे ही थे पिताजी के, तो मतलब हमारी फैमिली अच्छी थी। अच्छी बात है सुनकर, बहुत खुशी के जो हमारे जो पूर्वज है वे बहुत अच्छे थे। बस वही अपनी फैमिली में को बताते रहना चाहिए कि हमारी फैमिली कैसी थी और कहाँ पे रहती है, इसलिए पता रहता है बच्चों को कि हमारी जो फैमिली है उनके बच्चे कहाँ पे रहते हैं, उनके बच्चे कौन है। मम्मी ने तो हमें सब कुछ बता रखा है। तेरे बाबा जी का पता नहीं चला कोई, मतलब मुझे अकेले को बैठा के समझाते थे, जो भी बात उन्हें कहनी थी अलग बुला लेते थे, बात को समझाते थे बैठा बेटा ऐसा नहीं ऐसा होता है। सही है ना, सही है। तो चलिए अब हम सीरियल देख रहे थे, उसके बाद मिलते आपसे। तो देखिए अब जो है मैं किचन साफ कर रही हूँ, और जो है मम्मी है कपड़े धो रही है, और वर्षा जो है पढ़ने लग रही थी, पापा जो है अपनी ड्यूटी पर चले गए थे। ये देखिए 11 बज चुके हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, मम्मी कपड़े धो रही है, सीरियल खत्म, काम शुरू, और यहाँ पे जी जो है वो सफाई कर रही है किचन की, किचन भी गंदा हो रहा है, जब सुबह खाना बनाते हैं तो गंदा तो हो ही जाता है। आज तो मुन्नू भाई भैंस नो आ रहा पागल थी, मैं भैंस ही नुवा रही, मैं चुल्ला नुवा रही। जो है मैंने किचन जो है साफ कर लिया है, ये देखिए किचन जो है मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है, और अब जो काम है हमें जो है चिप्स तोड़ने हैं। ये देखिए चिप्स जो है हमने कद्दूकस करके रख लिए हैं, इस तरीके से आए हैं कद्दूकस करने के बाद, और जो मम्मी ने है ऊपर आग जला दी है, चूल्हा जला दिया है, चूल्हे के ऊपर जो है भिगोना रखने के बाद पानी डाल के, और हम उसमें जो है जब पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा फिर उसके बाद जो है जो चिप्स हमने तोड़े हैं वो उसके अंदर हम डाल देंगे। देखिए ये देखिए मम्मी ने आग जला दी है, और ऊपर जो है चूल्हा रख दिया है, सॉरी ऊपर जो भिगोना रख दिया है, धुएं से जो है मुझे एलर्जी है, मुझे जुकाम हो जाता है धुएं से बहुत ज्यादा, इसलिए मैं धुएं पर थोड़ा कम ही लगती हूँ चूल्हे के पास में, और फिर भी कर लेती हूँ। और अब हम जाएंगे ऊपर चिप्स लेके, साने लग रहे हैं ऊपर, मम्मी ने चूल्हा जला दिया है, हम भी ऊपर आ रहे हैं, चिप्स नहीं ऊपर आ रहे, चिप्स को लेकर हम ऊपर आ रहे हैं। हमारे चिप्स जादू क्या खुद ऊपर आ रहे हैं, इस लड़की को इग्नोर करना, नहीं मुझे इग्नोर बिल्कुल भी मत करना। ये देखो चूल्हे पे पानी रख दिया, पानी जो गर्म होने लग रहा है, पानी में उबाल आएगा तब जाके चिप्स डालेंगे 10-15 मिनट के लिए। ये देखिए शहर की लड़की चूल्हे पर काम कर रही है, काम तो काम होता है शहर की लड़कियों गांव के, सब कुछ करना सीखना चाहिए।
इधर मम्मी लेके आ रही है, मम्मी थक गई, इसने जा दे। अपने कपड़े धुलने भी बंद कर दिया, थोड़ी सी धूप देखते ही कि मेरे चिप्स खाने पड़ जाएंगे। ये उपले उपले नहीं, क्या हो रहा है ये? बड़गुल्ले ही। हाँ, बड़गुल्ले भी सूख गए, हल्के हल्के गिल्ले हो गए थे, थोड़ी सी बारिश आई थी, धूप निकल चुकी है। देखो इसमें डाला मैंने सेंधा नमक। सेंधा नमक तो देखिये मम्मी ने जो है गर्म पानी में सेंधा नमक डाला हुआ है, पानी का कलर तभी ऐसा हो रहा है। ये क्यों डाल जी? हम भी खा सकते हैं ना? ओहो, ये चिप्स में नमक इसलिए तो आया ना, मम्मी इंटेलिजेंट है बहुत, देखे मम्मी ने, ताकि हम व्रत भी खा सके, भून के इसलिए सेंधा नमक डाल रहा है। अरे मम्मी इसमें मिर्च पीस कर डाल रहे तो फिर भी मिर्च भी लगेगी चिप्स में? ऐसा कुछ नहीं लगती। और मैं जो बनाऊंगी ना चावलों की, कचरी बनती है, कचरी बनेगी। आलू के बनाएंगे हम पापड़, और चावलों के बनाएंगे पापड़। आप देखते रहिए हमारा ब्लॉग, आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। ये मेरे से डर रही, पता नहीं क्यों, मैं तो कुछ कह भी नहीं रही। से पानी वानी डाल देते हैं मनी प्लांट, डेली पानी डाला है इनमें, पानी के ऊपर है तो इसमें मतलब खदका लगेगा, तो चिप्स भगवान वाले बन गए। इसे बोल दो मेरे साथ ऊपर रहे। मम्मी मुझे सीरियल देखना, सीरियल तो कल भी देख लेंगे बेटा, मौसम खराब है। वो कल तो नहीं आने का ना, जो आ जा रहा है तो जो आ जा रहा है वो कल नहीं आने, खराब हो जाएगा। ठीक है, करवा रही हूँ मैं। दोनों बहन मिलजुल के करेंगे एक साथ में काम, मिलजुल के जो काम करते जल्दी काम भी हो जाता है। तो जब तुम वहाँ पे रहे मैं यहाँ पे रहूँ, तब तो अकेले अकेले करे हम, तो वहाँ पे भी तो मैं अकेली करूँ, तो यहाँ पे मैं अकेली करूँ, सही है ना? और क्या। तो देखिए वर्षा जो चिप्स तोड़ रही है, ये देखिए आलू जो हमने छील लिया था, और वर्षा जो है कद्दूकस कर रही है। तो देखिए वर्षा जो चिप्स बना रही है, ये ना वो ब्लेड बहुत ही स्मूथ चल रहा है, अच्छे से बन रहे हैं। अच्छा जी, तो ये देखिए नीचे से निकलने लग रहे हैं। पर जो जब भी आप ऐसा करो तो सेफ्टी से करो, हाथ ताकि कटे ना, कि ब्लेड जो है बहुत पड़ना होता है, और जो है ना पानी में डालते रहना, ताकि जो है चिप्स का लेना पड़े, इन्हें साथ ही साथ पानी में डालते रहो, इसलिए हमने साफ पानी में कर रखे थे इन्हें। कुछ तो सुबह ही हो गए थे मॉर्निंग में, ठीक जो है हम कल से लगे पड़े हैं इन्हें तोड़ने के लिए। और जो है मम्मी ने इसमें सेंधा नमक डाला था पानी में, ताकि जो है हम व्रत में भी खा सके। वाह वर्षा, तू तो कलाकार हो रही है, स्टार्टिंग में तो फटाफट हो जाए, लास्ट में ये देखिए ये हमारे काटते हुए हैं, ये हमारे कट बन चुके हैं, कट चुके हैं मतलब, और इसमें यहाँ पर उबाल देंगे हम, इसमें कच्चा पक्का उबाल, और वहाँ पर जी हमने पानी ला के रख लिया है। वो मम्मी से पूछेंगे वो क्यों ला के रखा है, अभी तक मुझे पता नहीं, शायद ठंडा पानी डालता होगा। नहीं ठंडा पानी डालेगा शायद, इसमें दोबारा दोबारा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, मम्मी से पूछेंगे। तो देखिये अब जो है मम्मी चिप्स है जो अब इस पानी में डालेगी, ये देखिए हमने एक बार और धो ले थे इन्हें, और धो धा के अच्छी तरीके साफ इसमें हम डाल रहे हैं। देखिए मम्मी नीचे बैठ के थक गई, मम्मी सारे इसमें डालेगी। नहीं सारे डाल लो होने के, और कम डाल, अच्छा थोड़ी थोड़ी। आप जो है कुकर में भी एक सीटी लगा सकते हैं, है ना मम्मी जी? हाँ कुकर में तो घुट जाते हैं। अब जो हाँ इससे अच्छा तो किसी खुले बर्तन में बनाओगे तो मजा नहीं आएगा, पिट्ठी बनानी होगी। देखिए मम्मी ने जो है आधे बचा दिए हैं और आधे डाल दिए हैं इसमें, अब इन्हें चला देंगे, अभी थोड़े से आधे कच्चे से जाएंगे फिर ना वहाँ पर। ये देखिए हमने जो है वहाँ पर कपड़ा बिछा दिया है, वहाँ पर हम डाल देंगे इन्हें निकाल निकाल कर। अच्छे जी है सही है, और देखिए हमारी बहन जी जो अच्छी तरीके से लगी पड़ी है, हंस रही है। ये काम अकेले पे नहीं होता, ये बात तो है, ग्रुप चाहिए, ग्रुप चाहिए, ग्रुप चाहिए, मन भी लगा रहता है। ग्रुप ए चाहिए, ग्रुप बी है, ग्रुप सी, ग्रुप ए, ग्रुप ए, तो भैया को बुला के लाना पड़ेगा ना, भैया ग्रुप ए है। नहीं मन भी लगा रहता है ऐसे काम में, ये बात है। अब मैं आ गई हूँ तो इनका सब चीज तोड़वा कर जाऊंगी, चिप्स भी तोड़वाऊंगी इनके मैं, और कचरे तोड़वा दे ना वेंदर सीट नहीं टूटने का, क्योंकि दो दो होते हैं और चार चार होते हैं। हाँ ये दो के मुकाबले है ना खेल ली, इसलिए दो और दो चार। अब मुझे लग रहा है ये पिटेगी मेरे हाथ से। चलो देखे तो अब जाइए, मम्मी ने कर दिए है
थोड़ा सा उबाल आते उतार देगी मम्मी। देखे वहाँ पे अपना झरना रख दिया है और इस बाल्टी का राज है जो पता चल गया है। तो जब ये पानी रुक जाएगा उसके बाद मम्मी ये वाला पानी जो है इसके अंदर डाल देगी। मैं इसमें से निकालूंगी जब कम होगा तब डाल लूंगी। हाँ ऐसा हम ढक देंगे, इस समय इतना ढक देंगे। ये देखे जो हमारे चिप्स है हो चुके हैं रेडी। देखिए पता चल गया। देखो सफेद से थोड़ा हल्की सी आंच लगानी पड़ा बस। ज्यादा हमने सिर्फ 5 या 10 मिनट लगाई है इसमें। इधर मैंने आलू पानी में खदक करा रहे मेरा मिशन सक्सेसफुल हो गया। पहले ही खदक रहा था सारे रिता देंगे इसमें। ऐसा ना मुझे और चिप्स फिर मैं इसमें डाल दूंगी इसलिए मैं ऐसा तुपता। तो देखिए जो हमने चिप्स उबाले हैं वो वर्षा जो है अभी जो हमने साड़ी बिछा रखी है उसके ऊपर डाल रहे हैं। अब हम एक एक करके इन्हें अलग कर देंगे ताकि एक जगह चिपके ना। तो जो है हम दोनों बहनें मिलकर जो है सारे चिप्स जो हमने ये फैलाए हुए सारे फैला देंगे यहाँ पर। और ये देखिए मम्मी भी हमारी हेल्प करने के लिए आई थी पर हमने मम्मी को जो है मना कर दिया था कि मम्मी जी आप जो है वहाँ पर उन्हें उबाल दो और हम यहाँ पर यह सारे फैला देंगे। मम्मी जो है उबाल कर दे रही थी हम यहाँ पर यह फैला रहे थे। और एक का चिप्स हमें जो अलग अलग कर देंगे और ताकि ये एक जगह चिपके ना रहे और जब हम इन्हें भूने तेल में तो ये अच्छी तरीके से भून जाए। और इन्हें हम तब तक सुखाएंगे धूप में जब तक ये अच्छी तरीके सूख नहीं जाएंगे। हम इन्हें डेली धूप में सुखाएंगे। ये देखिए हम यहाँ पर है जो एक एक करके अलग अलग करके सुखा रहे हैं इन्हें। तो ये देखिए जो हमने सारे चिप्स सुखा दिए हैं और ये हमने 5 धड़ी आलू के चिप्स तोड़े हैं। देखिए कितने सारे टूट गए हैं। और अभी इन्हें फिर हम जब ये सूख जाएंगे इन्हें एक कनस्ते में भर के रख देंगे हम। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जो है हमारा व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।